हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्तफ़ा एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मेरी कॉलेज से मुझे LC लेना है, 10वीं का रिज़ल्ट लेना है और फिर कॉलेज मतलब डिग्री के एडमिशन की तैयारी करनी है पूरी। देखते अभी मेरा दोस्त तो आ रहा है, पनवेल गाड़ी लेके आ रहा है गोवंडी, चलो उसी का फ़ोन आ रहा है, बैठते गाड़ी में और फिर निकलते हैं हंदीश्वर। अभी है हम लोग खांदेश्वर स्टेशन पे, जाना है कालसेकर। ये अपना खांदेश्वर स्टेशन, यहाँ से ऑटो करके अभी हम लोग जा रहे हैं कालसेकर कॉलेज। अभी तो दो ही लोग हैं, नहीं तो पहले हम लोग सीट से जाते थे यहाँ से। अभी 20 रुपये लेंगे हमसे, 20 रुपये लेंगे अनस भाई से, टोटल 40 रुपये। क्या प्यारी दिखती है ना गाइस कॉलेज, यहाँ से देखो। कॉलेज में है फुल सन्नाटा, अभी हम लोग अपना काम निपटा लेते हैं, फिर आप लोगों से आराम से बात करता हूँ, काम हुआ नहीं हुआ बताता हूँ। क्या साइलेंट लग रहा है यार। तो गाइस हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, हम लोग का काम तो आज नहीं हो पाएगा, मंडे को होगा, लेकिन जब भी हम लोग आते हैं हम लोग अपनी क्लास को ज़रूर याद करते हैं। ये थी हम लोग की क्लास 209, सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठते थे हम लोग, जो सेकेंड वाला रो है वहाँ पर, सेकेंड लास्ट, सेकेंड थर्ड लास्ट ऐसा बैठते थे। आज बंद है सब, सैटरडे आज, टाइम भी हो गया 3:30 बज के गए। वैसे मैंने नई वॉच ली है, कैसी लग रही बताओ। सो गाइस ये है हमारा बॉयज़ कॉमन रूम, यहाँ पे सब पबजी खेलते बैठते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और यहाँ पे टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड रखा हुआ है इधर पे। आगे मैं नहीं जा रहा क्योंकि अभी आगे जाने अच्छी बात नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसका क्लास रूम नंबर है 302। अंदर बताता हूँ आप लोगों को हम लोग किधर बैठते थे। ये जो मेरा आप फिंगर दिख रहा है आप लोगों को, उधर बैठते थे, वो वाली रो में चौथी या पांचवी बेंच पे, ये हम लोग का अड्डा रहता था, और कभी कभी यहाँ पे भी बैठ जाते थे। कितनी सारी बेंचेस हैं ना, बहुत मज़ा आती थी यहाँ पर। अभी यहाँ पर आया तो सब चीज़ें याद आ रही है, कौन कौन से टीचर्स के साथ क्या क्या हुआ था, हम लोग कैसे कैसे मस्ती करते थे, यहीं पे फ्लोर पे ही सीधा क्रिकेट खेलने लग जाते थे, बहुत सारी यादें हैं। अभी देखो डिग्री तो जाने नहीं मिलेगा, हम लोग एडमिशन का ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर एडमिशन हो गया तो हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम लोग को जॉब करना है, कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को कैसे भी करके थोड़ा मतलब पेपर वगैरह देने दे दो, ताकि हम लोग की डिग्री भी कम्प्लीट हो जाए। पेपर देने तो आना ही पड़ेगा, पेपर को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसी बात हो जाए कि हाँ हम लोग जॉब भी करेंगे और डिग्री भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दुआ करो कि हो जाए। और यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे, वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई रहती थी, इससे पहले भी शायद मैंने बता चुका हूँ। कोर्ट यार्ड बोलते हैं, और वहाँ पर ऑडियंस बैठती है, और वो है डिग्री, ये डिप्लोमा है, ये डिग्री, अभी हम लोग को वहाँ एडमिशन लेना है। जब भी क्रिकेट वगैरह खेलते थे लोग, इतनी आवाज़ आती थी, तो यहाँ से हम लोग झाँक के देखते थे कितना रन बाकी है, कितनी बॉल बाकी है। फुटबॉल भी यहाँ से देखने बहुत मज़ा आती, ऊपर से बोलते ना एकदम स्टेडियम वाली फीलिंग आती थी, मज़ा आती थी।
अभी हम लोग है खांदेश्वर स्टेशन पे, पनवेल के लिए ट्रेन जा रही है। हम लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है। और मैंने बेल लिया, मुझे गीला बेल चाहिए था लेकिन सूखा बेल मिला है। अनस को बोला कुछ ले ले, ले ही नहीं रहा है। देखते आएगी, 5 मिनट में ट्रेन आएगी तो निकलते हैं। सूखा बेल मेरे को भी खाना नहीं था लेकिन भूख बहुत ज़ोर की लग रही, खाना पड़ेगा समोसा क्योंकि पनवेल में मिलेगा और पनवेल हम लोग जा नहीं सकते। तो सूखे बेल के दर्शन कर लो तुम लोग भी, सिर्फ देखने ही मिलेगा, खाने खा सकते वैसे लेके। अनस का फॉर्म आधा भर के हो चुका है, इसको कॉलेजेस से मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारी कॉलेज में एडमिशन लो। अभी फॉर्म का प्रोसीजर भी मेरे को कंटिन्यू करना है, मैंने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, ये भाई साहब ने करके बैठे। तो मंडे को लास्ट डेट है फॉर्म की, कैसे भी करके मंडे को हम लोग को जाके LC की फ़ोटो लेना है। आज कोई सर टीचर लोग ज़्यादा लोग नहीं आए थे इसलिए थोड़ा मसला हो गया क्योंकि साइन चाहिए लोग की। देखते हैं जाकर अभी मंडे के दिन क्या होता है। और दिसंबर में एक ख़तरनाक चीज़ आने वाली है, वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो ऐसे बने रहो और उस चीज़ को शेयर करना।